हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविल बॉडी में। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। जो लास्ट वीडियो था उसमें भी मैंने बताया था कि हम नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं कि जो झील है उस झील के टॉपिक से रिलेवेंट जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है इससे ये पता चलेगा आपने जो लास्ट टाइम जो भी पढ़ा था वो आपको कितना याद है, कितना आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का वीडियो। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है इससे आपका एनालिसिस का पता चलेगा, सेल्फ एनालिसिस होगा कि आपने जो भी पढ़ा है वो कितना अभी आपको आता है ना। तो आपके सेल्फ एनालिसिस का यहाँ से पता चलेगा। तो चलिए आज का जो हमारे क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी पार्टिसिपेट करें, सभी जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। मतलब जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तो आपको उसका आंसर ट्राई करना है और कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए सभी स्टूडेंट ध्यान रखना, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है, निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। राजस्थान में पहली बात तो मीठे पानी की बात कर रहे हैं और सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। तो बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। मुझे जो लग रहा है आंसर वो कौन सा है, मुझे लग रहा है जयसमंद। करेक्ट आंसर क्या है, जयसमंद इसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड, जयसमंद इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयसमंद झील कहाँ पर स्थित है। तो जयसमंद झील कहाँ पर है, जयसमंद झील स्थित है कहाँ, उदयपुर में। ये जयसमंद झील वही है जो डेवर दर्रे से जिसमें पानी आता है, इसलिए इसको डेवर झील भी बोल देते हैं। तो डेवर झील भी इसी को बोल देंगे, घबराना मत, ठीक है। ये बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट है फिर आपका क्वेश्चन, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है, ये कौन सी ऐसी झील है जिसके टापू पर, बीच में एक टापू है जिस पर आइसलैंड रिसोर्ट होटल है, ये कौन सा ऐसा झील है। तो ये कौन सी झील है आपको अगर पता है तो कमेंट कीजिए, मैंने ये नहीं बताया। एक्चुअल में ये कहाँ है, जयसमंद जो झील है उस जयसमंद झील पर ही है। कहाँ है, उस जयसमंद झील पर टापू है ना। देखो टापुओं के बारे में मैंने बताया था, उन टापू पे एक होटल है जिसका नाम है आइसलैंड रिसोर्ट होटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में प्लाया झील है, ये प्लाया झील किस जिले में है। देखो दो चीज़ें थी, रेगिस्तानी जो इलाका है यानी रेगिस्तानी इलाके में, यानी कि जैसलमेर वाला जो एरिया है, उस जैसलमेर में जो पानी भर जाता है ना, पानी छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर जाता है उसको तो बोला जाता है रन या टाड, और जो थोड़ा ज़्यादा पानी होता है जो झीलें बन जाती हैं उनको बोला जाता है प्लाया। क्या बोला जाता है, प्लाया। खारा पानी होता है ज़्यादातर, ठीक है, तो प्लाया बोला जाता है। तो राजस्थान के किस जिले में प्लाया झील पाई जाती है, तो प्लाया झील किस में पाई जाएगी, जब मैंने बोल दिया है रेगिस्तानी इलाका, तो राजस्थान में प्लाया झील कहाँ मिलती है, जैसलमेर में। कहाँ मिलेगी, जैसलमेर में। होता क्या है कि जो खड्डे हैं खड्डों में पानी भर जाता है, और जो बड़े बड़े गड्ढे बन जाएंगे उन गड्ढों में पानी भरने से क्या होगा, उनको क्या कहा जाएगा, प्लाया झील कहेगा, प्लाया झील। और छोटे छोटे गड्ढों में जो पानी भरेगा उसे क्या कहा जाएगा, रन या टाड, ठीक है ना, रन या टाड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। खारा पानी की झील है ही नहीं इनमें से, मीठे पानी की है। कौन सी है, सांभर जो है जयपुर में पड़ती है वो है, पचबद्रा बाड़मेर वाली, या कायलाना जोधपुर, या लूणकरण सर बीकानेर। तो जो मैंने पढ़ा था मैंने उसमें ये पढ़ा था कि मीठे पानी की झील के पूछा गया यहाँ पे कि मीठे पानी की झील कौन सी, क्योंकि खारे पानी की नहीं है इसका मतलब मीठे पानी की पूछा गया है। तो मेरे को जहाँ तक पता है, जितना आइडिया है मेरे को, ये पता है कि सांभर झील में नमक मिलता है, पचबद्रा में भी नमक मिल रहा है, बढ़िया वाला नमक मिल रहा है यहाँ तो, और लूणकरण सर भी नमक वाला पानी है, यानी कि कैसा खारा पानी है। तो कायलाना जो है जोधपुर, इस कायलाना जोधपुर में कैसा पानी है, मीठा पानी है, खारा पानी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीन नंबर। वेरी गुड, वेरी गुड। इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है, मीठे पानी से कौन सी झील संबंधित है, क्या ये डीडवाना है, कायलाना है, पचबद्रा है, लूणकरण सर है। तो कौन सी है, कायलाना है। अभी अभी मैंने बताया कौन सी है, कायलाना है। तो इसमें इसके आंसर में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है, इनमें से खारे पानी की झील नहीं है, बताइए खारे पानी की नहीं है, डीडवाना, फलौदी, सांभर या कोलायत, बताइए कौन सी है,
कोलायत, वेरी गुड, कोलायत। कोलायत क्या है, दीपदान कहाँ के फेमस है, पुष्कर और कोलायत। कोलायत में कपिल मुनि जो है उनका मेला लगता है, ठीक है। कब लगता है ये कमेंट करके आप बता सकते हैं। इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है, कौन सी है जो खारे पानी की है, बताइए। क्या ये जैसमंद है खारे पानी की, राजसमंद है, सिलीसेड है या पचबद्रा है। सिलीसेड कहाँ पर है, अलवर में। कहाँ है, अलवर। राजसमंद कहाँ है, ये खुद राजसमंद में है। जैसमंद कहाँ है, उदयपुर में है जैसमंद। अब पचबद्रा कहाँ है, अब आप बताइए पचबद्रा कहाँ है। बाकी अब तीन तो मैंने बता दी, ये आपको बतानी है फोर्थ नंबर की। बताइए पचबद्रा कहाँ पर है, पचबद्रा कहाँ है, वेरी गुड, बाड़मेर। कहाँ है, बाड़मेर, बाड़मेर में है। और ये कैसी नमक वाली की है, मतलब कि खारा पानी है, पर कैसा है, खारा पानी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पचबद्रा। करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा, पचबद्रा। चलिए नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा है। मैंने बताया था ना एक चबूतरा है जिसको नटनी का चबूतरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नटनी का चबूतरा। तो ये नटनी का चबूतरा कहाँ पर है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, बताइए। नटनी का चबूतरा कहाँ पर निर्मित है, कहाँ, पिछोला झील पर, वेरी गुड, पिछोला झील पर। कहाँ, पिछोला झील पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है। जग मंदिर और जग निवास कहाँ पर है, किस झील पर है, ये कौन सी झील है भैया, जग मंदिर जग निवास दोनों हैं, कौन सी है, अभी अभी बताया, पिछोला। पिछोला झील है जहाँ पर जग मंदिर जग निवास है और किसका चबूतरा है, नटनी का। चलिए आगे चलते हैं, पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की जो योजना में जो सहयोग दिया था, किस देश ने सहयोग दिया था, जो स्वच्छता अभियान चला था पुष्कर में, कौन सा देश था भैया, कौन सा देश था, जापान, फ्रांस, बेल्जियम, कनाडा। कमेंट कीजिए फटाफट, कौन सा देश था, कनाडा, वेरी गुड, कनाडा देश था जिसने हमारी सहायता की थी। राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है, सिलीसेड है, फतेह सागर है, बालसमंद है, पुष्कर है। इसका तो कोई भी आंसर दे देगा, पुष्कर सबसे पवित्र झील है राजस्थान की, स्नान करके आना आप लोग भी। वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित हैं। संगमरमर के 25 शिलालेख है मैंने कहा था, जिनके ऊपर प्रशस्ति लिखी गई है, जिस प्रशस्ति को कहा जाता है राज प्रशस्ति। क्या कहा जाता है, राज प्रशस्ति। कहाँ पर है, राजसमंद में। कहाँ है, राजसमंद में। पचबद्रा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है, पचबद्रा में बड़े पैमाने पर क्या बनता है, पचबद्रा में क्या बनता है, नमक बनता है। क्या बनता है, नमक बनता है, नमक बनता है ना, अरे बनता है, नहीं बनता है, तो पचबद्रा में क्या बनता है, नमक बनता है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खारे पानी की निम्न में से कौन सी झील नागौर जिले में नहीं है। ये इनमें से कौन सी जो नागौर में नहीं है, कुचामन नागौर में आता है, डीडवाना नागौर में आता है, ठीक है, डेगाना नागौर में आता है, पचबद्रा कहाँ है, पचबद्रा खुद एक झील है खारे पानी की, कहाँ है, बाड़मेर। अरे बताया था, नहीं बताया था थोड़ी देर पहले, पचबद्रा कहाँ है, बाड़मेर में है, बताया था नहीं बताया था, खारे पानी की झील कहाँ पर है, ये कौन सा जाएगा, पचबद्रा, बाड़मेर, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तो 2 नंबर का जो है इसका ये करेक्ट आंसर है। फिर है, कौन सी झील खारे पानी की है, खारे पानी की कौन सी है, आना सागर है, पिछोला है, डीडवाना है, रासमंद। डीडवाना खारे पानी की है, नागौर में, कहाँ है, नागौर में, तो नागौर में क्या है, खारे पानी की झीलें हैं। चलिए निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है, लवणीय मतलब खारी नहीं है, लवणीय का मतलब खारी, खारी झील नहीं है, डीडवाना तो खारी है, पचबद्रा खारी है, काबोद कोलायत, कोलायत कैसी है, खारे पानी की झील नहीं है, कैसी है, खारे पानी की झील नहीं है, कोलायत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए, यहाँ पर सूची में दिया हुआ है और सूची 2 है, यहाँ लिखा हुआ जल महल झील कहाँ पर है, पांडुपोल जल प्रपात कहाँ पर है, लूणकरणसर झील कहाँ है, और फतेह सागर झील कहाँ है। फतेह सागर, लूणकरणसर, पांडुपोल, जल महल, इनके बारे में पता है तो इनसे रिलेवेंट जो जिले हैं कौन कौन से जिले में यह है बताना है, बताइए कौन सी। देखो जल महल जो है, जल महल कहाँ है, जयपुर में है, ये तो सबको पता होगा, जल महल कहाँ पर है, जयपुर में है ना, झील बनी हुई, झील के बीच में क्या है, महल बना हुआ है जिसे जल महल कहा जाता है, पता ही है बात तो सभी को। और बाकी आप लूणकरण सर कहाँ पर है, लूणकरण सर कहाँ है, लूणकरण सर बताइए, बीकानेर में है ना लूणकरण सर, तो पहले में तो आएगा 3, पहले में 3 कौन कौन सा आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है पहले में 3, और इसमें आ रहा है पहले में 3, और सी में आने वाला है आपके 4, तो सी में जो 4 आएगा तो इसमें आ रहा है सिर्फ, और किस में आ रहा है, सी में 4, किसी में नहीं आ रहा, इसमें तो आ ही नहीं रहा है,
ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर का हो जाएगा। और आपके जो पांडुपोल जलप्रपात कहाँ पर है, ये अलवर में है, और फतेह सागर झील कहाँ है, ये उदयपुर में है। ये हमने बात भी की थी, फतेह सागर जो झील है वो कहाँ पर है, उदयपुर में है, बताया था ना। नेक्स्ट, आनंद सागर झील कहाँ स्थित है, ये मैंने नहीं बताया है, बताया है कि ये बताइए, आनंद सागर झील कहाँ पर है, आनंद सागर झील कहाँ है, बांसवाड़ा में है, कहाँ पर है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा इसका करेक्ट आंसर है। बाई तालाब झील कहाँ पर है, बाई तालाब झील कहाँ पर है, बताइए बाई तालाब कहाँ पर है, बाई तालाब भी कहाँ है, बांसवाड़ा में है, कहाँ पर है, ये बांसवाड़ा में है बाई तालाब झील, बाई तालाब झील कहाँ पर है, बांसवाड़ा में है, कहाँ पर है, बांसवाड़ा में है। तो आपको इंपॉर्टेंट बात एक चीज़ याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि इससे रिलेवेंट क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, इससे रिलेवेंट क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। तो अब देखो एक चीज़ है, थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहते हैं। अच्छा आगे चलते हैं, क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद्य प्राप्त होती है। तो राजस्थान की कौन सी झील है, बताइए राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है, पचबद्रा है, सांबर है, सरदार समंद है, या मोती झील है, कौन सी झील है, क्या आपको ये पता है इसके बारे में। देखो करेक्ट आंसर इसका मोती झील, ये अलग थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है तो इसको आप अलग से लिख लेना, है ना, मोती झील है, कौन सा है, मोती झील इसका करेक्ट आंसर, इसको आप लिख लेना नोट्स में। नेक्स्ट है फिर आपका, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा जयसिंह ने, महाराणा राज सिंह ने, जयसिंह नहीं राज सिंह, राज सिंह ने करवाया था। तो राज सिंह ने जो राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, ये राज सिंह ने कब करवाया था, राजसमंद का निर्माण राज सिंह ने कब करवाया था, ईस्वी पूछा गया है। तो 1680 है, 1692 है, 1031 है और 1648 है। तो 1680 ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर, ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, 1680, वेरी गुड। निम्नलिखित में से एक सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है बताइए। राजस्थान के पश्चिमी भाग में सामान्यतः खारे पानी की झीलें हैं, राज सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारी झील है, नक्की झील राजस्थान में सबसे गहरी झील है, राजसमंद झील उदयपुर से 64 किलोमीटर है और यह उदयपुर ज़िले में है। तो देखो जो स्टेटमेंट है, उन स्टेटमेंट को अगर मैं पढ़ता हूँ तो राजसमंद वाली जो झील है ये उदयपुर में नहीं है, पहली बात तो ये कहाँ थी, राजसमंद खुद राजसमंद में है, कहाँ है, राजसमंद में है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, चौथा नंबर को जो स्टेटमेंट है ये गलत है, बाकी तो मुझे सही लग रहे हैं। राजस्थान पक्ष में खारी है और सांबर झील जो है बिल्कुल सही है और नक्की झील का भी सही है ना, चौथा वाला ये स्टेटमेंट गलत था। कोलायत झील स्थित है, कोलायत झील से रिलेटेड भी मैंने कितना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, कोलायत झील कहाँ पर है बताइए, कमेंट कीजिए कोलायत कहाँ पर है, कोलायत कहाँ पर है, बीकानेर में, कहाँ पर है, बीकानेर में। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कोलायत से रिलेटेड कि यहाँ पर किसका मेला लगता है, कब मेला लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है, गैप सागर झील किस जिले में है, शायद हो सकता है ये आपको क्वेश्चन थोड़ा कम दिख रहा हो तो मैं रिपीट कर देता हूँ, गैप सागर, गैप सागर, ठीक है, गैप सागर झील, गैप सागर झील कहाँ पर है, मैंने बताया था ना जो गैप सागर है उसी गैप सागर को गैप सागर भी बोल देते हैं। तो कहाँ पर है ये, डूंगरपुर में, कहाँ पर है ये, डूंगरपुर में बना हुआ है, गैप सागर या गैप सागर, ध्यान रखना जिला याद रखना डूंगरपुर, ठीक है ना, डूंगरपुर एडवर्ड है ना, डूंगरपुर। गढ़ीसर, गढ़सीसर सरोवर कहाँ पर है, गढ़सीसर कहाँ पर है, गढ़सीसर, जैसलमेर कहाँ पर है, जैसलमेर, गढ़सीसर सरोवर कहाँ है, जैसलमेर में है। सिलीसेट झील कहाँ पर है, कमेंट करके बताइए, ये मैंने आपको बताया था अच्छे से कि मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बताइए सिलीसेट झील जिले में कहाँ पर है, सिलीसेट कहाँ पर है, सिलीसेट अलवर कहाँ पर है, अलवर में है सिलीसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाय सागर झील कहाँ पर है, फाय सागर झील उदयपुर में, भरतपुर में, अलवर में, अजमेर में, फाय सागर झील बताइए फटाफट, फाय सागर झील कहाँ पर है, अजमेर में है, कहाँ पर है, अजमेर में है। चलिए, पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है, जाड़ा नहीं जोड़ा, जोड़ा गया है, पिछोला झील को किससे जोड़ा गया था, मैंने डायग्राम के थ्रू बताया था कि पिछोला झील है इसको फतेह सागर झील के थ्रू, फतेह सागर जो झील है उस फतेह सागर झील से इसको जोड़ा गया है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा जो पानी आता है उसको कहाँ, फतेह सागर में शिफ्ट कर दिया जाता है। चलिए, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, आना सागर का किसने करवाया था,
अर्णो राज, किसने करवाया था? आना सागर के झील का निर्माण अर्णो राज, कहाँ पर है? अजमेर। सिरोही, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील, जहाँ टॉड रॉक व नन रॉक स्थित है। तो मैंने बताया था टॉड रॉक नन रॉक कहाँ पर है? नक्की झील पर है। राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर और सबसे गहरी झील कौन सी है? नक्की झील है, जो आपके सर्दियों के टाइम क्या हो जाती है, जम जाती है। सांभर झील का अधिकांश भाग किस जिले में है? सांभर झील का अधिकांश भाग किस जिले में है? जयपुर में है। अधिकांश भाग किस में है? जयपुर जिले में है। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो ये कौन सी, मैंने बोला ईरान में जो सम्मेलन हुआ था, उस ईरान सम्मेलन में राजस्थान के दो जगह थी जिनको रामसर में ऐड किया गया। एक तो था आपका सांभर, सांभर था एक तो, और दूसरा था केवला देव, केवला देव पक्षी अभ्यारण्य जो है उसे, जो भरतपुर में है। तो सांभर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सांभर को क्या किया, रामसर भूमि में ऐड किया गया था। चलिए, राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है, कहाँ पर होता है? सांभर में होता है, ये तो कोई भी बता सकता है। भारत के कुल नमक उत्पादन का सांभर में कितना प्रतिशत होता है? लगभग 8% के आसपास मैंने बताया था, तो ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8.7% नमक उत्पादित किया जाता है पूरे भारत का, और राजस्थान का लगभग 80% नमक उत्पादन में सांभर का प्रथम स्थान है पूरे देश में, लेकिन अगर साइज के हिसाब से देखें तो तीसरा नंबर है। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट MCQs थे, वो इम्पोर्टेंट MCQs की सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है। ये कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर। इसकी जो PDF है, इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी? इसकी PDF आपको मिलने वाली है mybooklaw.com पर, mybooklaw.com पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप इसको कलेक्ट कर लेना, mybooklaw.com। ठीक है, और उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि अभी जो भी सिस्टम चल रहा है ना, थोड़ा सा भी थोड़ा स्लो चल रहा है, क्योंकि मैं बिजी चल रहा हूँ किसी कारणों से, थोड़ा सा मैं फ्री होता हूँ, फिर आपको रेगुलर और ज़्यादा वीडियोस मिलने वाले हैं। जल्दी से जल्दी जो हमारा सिलेबस है उसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम कंप्लीट करें अपने वीडियोज़ को और अपने सिलेबस को, जिससे कि आप सेल्फ स्टडी कर पाएँ। तो मेरी कोशिश यही है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको वीडियोज़ मिल पाएँ। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आ रही है सीरीज़, मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहा है प्रॉपर, आपको आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि मेरा जो चैनल है, इस चैनल का लिंक अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। और दूसरा देखो, इंपॉर्टेंट एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप रेगुलर अपडेट रखना चाहते हैं चैनल से, और आप रेगुलर आप स्टूडेंट हैं इस चैनल के, तो बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि कई बच्चे फिर मैसेज करके पूछते हैं कि सर ये वाला वीडियो कब अपलोड हुआ है, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये वाला वीडियो अपलोड करो, जबकि वो एक बार भी चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट चेक नहीं करते हैं कि ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, फिर भी वो पूछते रहते हैं। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, मैं पर्टिकुलर हर स्टूडेंट को मैं लिंक शेयर कर पाऊँ हर वीडियो के, इतना टाइम नहीं होता है। प्लीज़ समझा करो और खुद ही समझ जाओ, खुद ही मैनेज करो, है ना। बाकी जो चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, आपकी तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, और उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो बहुत बहुत सही है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कई लोग डोनेशन भी कर रहे हैं, तो डोनेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लोग डोनेशन करना स्टार्ट कर दिया, काफ़ी लोग करते हैं, एक एक रुपया दो दो रुपया आता है मेरे पास में, तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप लोग इतना कर रहे हैं, है ना। काफ़ी है, एक एक दो दो रुपये भी मिलता है तो उससे काफ़ी हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे जो नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है वो आपको कल मिलेगा शाम को 7 बजे इसी टाइम पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल को आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।